दिल्ली क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी को विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस दिया है। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह आतिशी के घर पहुंची, हालांकि वो घर पर नहीं थी। उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अफसरों को नोटिस रिसीव करने को कहा। बता दें कि क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी भाजपा के खिलाफ आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आम आदमी पार्टी के आरोप के संबंध में नोटिस देने के लिए आतिशी के घर पहुंचे हैं। अब जिसके बाद आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच द्वारा जांच पड़ताल जारी है। तो कानून की जांच का स्वागत किया जाना चाहिए। आतिशी ने जो मीडिया के सामने आके बयान दिया है, अब या तो वो पुलिस को उसके तथ्य देंगी या उस बयान के लिए माफी मांगेंगी, तो पुलिस जांच कर रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस टू करना चाहते हैं, लोटस वन में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस टू में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। हमारी ही कंप्लेन थी, हम लोगों ने कंप्लेन की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कंप्लेन की थी कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है ये गलत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी, आपको चुनौती है कि आपको उन लोगों के नाम बताने होंगे जो जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपकी पार्टी को अप्रोच किया और एमएलए को तोड़ने की कोशिश की। और एमएलए सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल ये भी उठता है। इसलिए अगर आप को थोड़ी सी भी वो है तो आपको सामने आके उन लोगों के नाम बताने होंगे। कल 5 घंटे तक थी, नोटिस रिसीव नहीं करा सीएम ने, ऑफिशियल्स ने करा, वहीं अब जो खबर आ रही है कि आतिशी ने भी अपने ऑफिशियल्स को बोला नोटिस रिसीव करने के। देखिए, सवाल यही है, जांच से क्यों भाग रहे हो? जांच से वो व्यक्ति भागता है जो चोर हो, जो उन्होंने जिसने झूठ बोला हो। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के पास सबूत तो है नहीं, उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से फंस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता या लोग एग्रेसिवली होके उनसे सवाल पूछेंगे, ये उनको सपने में नहीं सोचा था। लेकिन चूंकि अब उनको जवाब देने होंगे, उनको बहुत सारे सवाल हैं कि कौन से व्यक्ति हैं जो सामने आए और किन व्यक्तियों ने उनको खरीदने की कोशिश की है, जरा वो भी सामने आए, ये बातें अब उनको बतानी होंगी। इसलिए जानबूझकर ये डिले टैक्टिस करना, नोटिस को रिसीव ना करना, ये सिर्फ और सिर्फ जांच से भागना है, जहाँ से वही व्यक्ति भागता है जो जिसने गलत किया हो।